अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? और सुनाए दोस्तों, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बाद रखे। और हंसते मुस्कुराते रहो। हाँ और आज मैं आपको बड़ी मज़े की चीज़ बताऊंगी जो मीठी और इस सीज़न में खाई जाती है, गाजर खीर। गजरेला बोलते हैं इसको, गाजर खीर दूध और दूध राइस के वाला। साथ हाँ चावल डाल के। तो चावल को मैंने धो के भिगो लिया है। चावल बहुत कम इसमें ऐड होते हैं, तकरीबन 1 कप, थोड़ा सा मतलब आधा पाव के करीब मैंने चावल लिए ये हैं। देखिए भिगोए। और अपनी क्वांटिटी के मुताबिक आप बढ़ा सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बना रहे हैं तो वो उसके मुताबिक आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मैंने 1 किलो गाजर ली है और 1 कप राइस लिए हैं और दूध है 2.5 किलो के करीब, और दूध को मैंने रख दिया है और गाजरों को कद्दूकस कर लिया है। और राइस अब मैं दूध में डालूंगी, पहले राइस चावलों को पका लेती हूँ, उसके बाद फिर गाजर डालेंगे। बहुत ही मज़े की बनती है ये खीर, गाजर खीर गजरेला, बहुत ही मज़ेदार होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देखिए चावल जो है ना, बहुत अच्छे से दूध में डाल के, दूध को मैंने गाढ़ा कर लिया था, तो ये पक गए हैं। गजरेला बना रही हूँ और अब इसमें मैंने ये कर लिया था, मैंने इसका गाजर का पानी खुशक कर लिया था, ताकि अगर ये जूस रखे तो बहुत रेड कलर हो जाता है, तो मैं इसको वाइट ही लुक देना चाहती हूँ, जैसे बाजार जैसा होता है। अब मैं इसमें चीनी मिक्स करूँगी पहले, गाजर क्योंकि खुद भी बहुत मीठी होती है, इसलिए मैं चीनी अभी थोड़ी ही ऐड करूँगी। और इसमें मैं इलायची पाउडर, इलायची दाने उसके, और ये और बादाम मैं डालूंगी अभी, डाल खोए भी रखी है मैंने। गैस बहुत कम हो गई। अब मैं इसमें गाजर मिक्स करूंगी। गाजर का पानी मैंने खुशक कर लिया था और ये बिल्कुल पक चुकी है। ज़्यादा दूध में मैंने गाजर को कर लिया था ताकि इसका बहुत मज़े का जायका बने, खोए जैसा। अभी चीनी मिक्स हो जाए तो ये इसकी लुक जो है ना, ये चावल और गाजर अलग अलग नज़र आने चाहिए। ये बाजार जैसा मैं बना रही हूँ, जैसे बाजार में होता है। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक देखिए, ऐसे जैसे मलाई जैसा होता है। इसमें मैंने खोया भी डाला है और दूध को काफ़ी गाढ़ा बना के वो डाला है, तो अब इसकी लुक देखें। और माशाल्लाह से ये बन चुका है,
अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। बहुत ही मज़े का ये बनता है। कितना ठीक है ये। कुक हो गया, मैं फ्लेम को बंद करूंगी और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। गाजरों का सीजन है तो आप भी बनाइएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अभी मैं बड़ी डिश में डालती हूँ। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप भी बोलो कुछ और गर्मा गर्म मज़ेदार बना के खाएं आप भी ऐसे ही। और जॉनसना इस चैनल को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स, क्योंकि इस सीज़न में यही अच्छा लगता है, गाजरें है ना मज़ेदार गर्मा गर्म का हलवा गजरेला और ताकत से भी भरपूर है ये। इसमें खोया है, दूध है, ये नट्स ये सारे है ना जी, एग है। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी बन जाता है, बन जाता है जल्दी बनाए तो बन जाता है, पास खड़ी होती है। हाँ छोड़ के नहीं जाना। सारे ही लगा के दिखाऊंगी। गिरा रहने दो। चलो कोई बात इसके ऊपर लग जाए। ठीक है, गजरेला गाजर का बहुत ही जबरदस्त।
इसमें मैंने डाल दिए थे, मेवे डाले थे, बादाम, पिस्ता, इलायची। और गर्मा गर्म गाजर का गजरेला। उस दिन हमने हलवा बनाया था ना। हाँ जी, उस दिन तो हलवा बनाया गजरेला। ये मेरे बच्चों को वो पसंद है भुना हुआ, लेकिन मुझे और मेरी सिस्टर को ये पसंद है। हाँ जी, और हमारे इसको भी पसंद है। हमारे उसको कौन एक हमारे जन सा बेटा उसको पसंद है। हाँ, वो हमारे साथ ये शेयर करके खा लेता है। खोया का टेस्ट बहुत मजेदार है। अभी आपको टेस्ट करके बताएंगे और आपको ये रेसिपी कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। बच्चे अंदर है। अच्छा, बहुत अच्छा। और आप लोग भी खाएं तो देख जी जो मैंने बनाया है घर में बना के। हाँ जी, खुद खाएं और मेहमानों को भी खिलाएं। स्पेशल डिश है स्वीट डिश। जी जी, बहुत मजे की। अब ये आपको मैं टेस्ट करके बताऊंगी कि ये कैसी बनी है। गजरेला गाजर का गजरेला बहुत ही मज़ेदार, ऐसे जैसे दूध को हमने खूब बनाया था, गाढ़ा किया हुआ था। और बहुत अच्छा टेस्ट, गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा, सारी हेल्प मेरी सिस्टर आपको पता है करवाती हैं। तो मुझे अच्छा लगता है ना कि हम आप लोग हमारे इनकी साथ भी हौसला अफजाई कीजिएगा, क्योंकि ये सारा तो कुकिंग मेरे साथ मिलके वो ही करवाती हैं। मैंने की या उसने की एक ही बात है। नहीं नहीं, करते तो आप है ना, कोई मसला नहीं है। तो आप हमें करें ना लाइक करें, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हम इतनी मेहनत करें, चलो आप भी हमारा साथ दे रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें आपके लिए, किधर रखूं ऐसे करूं, इसमें खाना आ जाओ। जैन जैन को जैन इस दिन को वो आप ही खाएंगे। छोटा बेटा है हमारा, छोटा बच्चा है। सदा मुस्कुराते रहे और आप भी बोले अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मज़ेदार।